हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोर इन इंडिया में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में देखेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और चलिए चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या होते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों ये जो हमारा ब्लॉक है ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, एक जो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है ये क्या करेगा, ये ए के लिए होगा पेरेंट क्लास, जो ए होगा वो बी के लिए होगा पेरेंट क्लास, और जो ये बी है वो ए के लिए होगा चाइल्ड क्लास, बट जो ये बी है ना ये सी के लिए बन जाएगा पेरेंट क्लास, सी के लिए बन जाएगा पेरेंट क्लास और सी बन जाएगा इसका चाइल्ड क्लास। तो और ये जो सी है ये डी के लिए बन जाएगा पेरेंट क्लास एंड डी के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चाइल्ड क्लास। तो दोस्तों ऐसे होते हैं हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट मीन्स एक के बाद एक। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे और देखते हैं कैसे करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस काम। तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्लास और ए बनाते हैं और क्या करेंगे इसमें बनाएंगे फंक्शन वन एंड यहां पे लिखते हैं सेल्फ, प्रिंट कर देते हैं दिस इज ए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर बनाते हैं हम क्या क्लास बी, यहां पर डालते हैं हम फंक्शन टू सेल्फ और प्रिंट कर देते हैं क्या प्रिंट दिस इज बी एंड क्लास सी डेफ फंक्शन थ्री सेल्फ और प्रिंट क्या कर देंगे प्रिंट दिस इज फंक्शन दिस इज सी। ठीक है दोस्तों, और यहां पर बनाना है तो एक और बना लेते हैं क्लास डी और डेफ फंक्शन फोर सेल्फ प्रिंट दिस इज डी। अब करना क्या दोस्तों, यहां पर जाना है और जैसे ये देखिए लिखना है ए, जो बी क्लास है वो ए क्लास को इनहेरिट कर रही है और जो सी क्लास है वो किसको करेगी इनहेरिट, वो बी को इनहेरिट करेगी और जो डी क्लास है वो किसको करेगी, वो सी को करेगी इनहेरिट। ऐसे ही हमने कुछ इसमें देखा था, जो बी थी वो ए से इनहेरिट कर रही थी, जो सी था वो बी को इनहेरिट कर रहा था और जो डी था वो सी को इनहेरिट कर रहा था। तो ऐसे ही है काम। अब चलिए यहाँ पर बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते हैं किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम डी का, क्योंकि डी हमारी लास्ट क्लास है, डी हमारी सबसे लेटेस्ट क्लास है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है दोस्तों, जो डी है ये देखेंगे क्या जो डी है वो ए का भी फंक्शन उठा रहा है। तो थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन वन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन टू ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन थ्री एंड ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन फोर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारा लेटेस्ट क्लास है, जो हमारी लास्ट क्लास है, वो फर्स्ट क्लास को भी इनहेरिट कर रही है। भले वो इसको डायरेक्टली असेस ना कर पा रही हो, बट ये फर्स्ट क्लास को भी इनहेरिट कर रही है। जैसे ये देखिए, जो हमारा डी है, इसका डायरेक्ट लिंकेज ए के साथ नहीं है। ये पहले सी के पास जाएगा, सी ने बी से डाटा लिया तो फिर सी बी के पास जाएगा, बी ने ए से डाटा लिया तो फिर बी ए के पास जाएगा। तो ये ऐसे इसका लिंक डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट नहीं सॉरी इनडायरेक्ट बन रहा है ए के साथ, इसका इनडायरेक्ट बन रहा है बी के साथ, और इसका तो डायरेक्ट सी के साथ तो है ही। तो ये ऐसे करता है काम। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या होते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या होते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो चलते हैं हम अपने ड्राइंग पर और देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का उल्ट है। डेट मीन्स हमारे पास मल्टीपल में क्या थे, दो क्लासेस थे है ना, दो पेरेंट क्लास थे और एक चाइल्ड क्लास था। ये डाटा इससे लेता था और इससे लेता था, बट इसमें क्या है, इसमें है हमारे पास दो क्लासेस, दो हैं चाइल्ड क्लासेस, दो चाइल्ड क्लास हैं जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। बी भी ए से डाटा लेगा, सी भी ए से डाटा लेगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है अपने कोड में यूज। तो चलिए देखते हैं, तो बनाते हैं क्लास, हम लेंगे पेरेंट, पेरेंट और फंक्शन लेंगे डेफ, क्या लेंगे हम P1, और इसको क्या कर देंगे असाइन सेल्फ, और हम लेते हैं सॉरी, अब हम करते हैं प्रिंट दिस इज पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, और अब हम लेंगे चाइल्ड। तो जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट क्लास को करेगा कॉल, और फंक्शन बनाएंगे CH1 सेल्फ, और कर देंगे प्रिंट दिस इज चाइल्ड वन क्लास। अब हम बनाएंगे यहाँ पर चाइल्ड टू, चाइल्ड टू पेरेंट, और यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन CH2 सेल्फ पास करेंगे, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट दिस इज चाइल्ड टू। ठीक है दोस्तों, दिस इज चाइल्ड टू। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, अब हम लिखेंगे चाइल्ड वन का बनाते हैं, चाइल्ड वन को करते हैं चाइल्ड के इक्वल, चाइल्ड के इक्वल। अब दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिक है एक, चाइल्ड वन डॉट, हम पेरेंट क्लास को करेंगे तो वो तो हो जाएगा, P1 को कॉल करेंगे तो वो तो हो जाएगा। हम चाइल्ड क्लास करने कॉल करेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें CH1 डॉट CH2 को कॉल करना, तो दोस्तों ये नहीं होगा। जैसे अभी मैं रन करके दिखाऊं तो दोस्तों देख रहे हैं ये एरर देगा, भले अभी ये रेड में ना आ रहा हो बट ये एरर देगा हमको। ये देखिए, चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेट नो एट्रीब्यूट चाइल्ड टू। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, इन दोनों क्लास का आपस में लेना देना कोई भी नहीं है, तो ये आपस में कोई लेना देना नहीं है। डेट मीन्स ये लिंक नहीं है, ये जैसे भी लिंक है ये ए के साथ लिंक है, ये सी के साथ लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, दोनों को अगर कॉल करना है तो दोनों को हमें अलग-अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी करते हैं चाइल्ड टू को डिफाइन, और करते हैं चाइल्ड टू डॉट पेरेंट क्लास, इसमें भी कॉल हो सकता है
एंड चाइल्ड टू डॉट, क्या करेंगे इसमें हम, चाइल्ड टू कॉल होगा। जैसे हम रन करते हैं तो दोस्तों देखना ये दोनों ही इंडिविजुअली अलग अलग रन होगा। जैसे दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड वन क्लास, दिस इज पेरेंट क्लास एंड दिस इज चाइल्ड टू। तो दोस्तों ये ऐसे हुआ रन। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आया होगा मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल, एंड मल्टीपल एंड हायरार्किकल का डिफरेंस भी आपको मैंने समझाया है एंड शो कराया कि कैसे मल्टीपल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।